प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ये कहानी दिखाती है कि एक गरीब इंसान होते हुए भी कोई इंसान कितनी मजबूरियों में प्रेरित होकर परेशानियों को झेलते हुए कुछ गलत काम के रास्ते को अपना लेता है। ये कहानी द गोल्ड वॉच पोंजी कारा रैफी के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। अगर आप कहानी इंग्लिश के माध्यम से भी हम सीखेंगे, क्योंकि हिंदी में सुनना तो हमें ज्ञान देता ही है, लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश वर्ड को द्वारा हम सीखते हैं तो इंग्लिश वर्ड पावर हमारे नॉलेज में होती है। तो चलिए पोंजी कारा रैफी के द्वारा लिखी गई द गोल्ड वॉच, एक सोने के ऊपर ये कहानी, सोने की घड़ी के ऊपर ये कहानी किस प्रकार है, हम ये पढ़ते हैं। तो अबाउट द स्टोरी, थोड़ी इसका इंट्रोडक्शन जान जाए उसके बाद हम मेन स्टोरी पे आएंगे। शंकु वाज ए लो पेड वर्कर इन ए फैक्ट्री। शंकु जो मेन हीरो है वो एक फैक्ट्री में बहुत ही कम पैसे पर वेतन पे काम करने वाला एक कर्मचारी था। ही हैड ए स्मॉल फैमिली हैविंग ए वाइफ एंड टू चिल्ड्रेन। उसकी एक छोटी सी परिवार थी जिसमें दो बच्चे और एक पत्नी थी। अ थर्ड चाइल्ड वाज आल्सो अबाउट टू कम। एक तीसरा बच्चा जन्म लेने वाला था। ही हैड टेकन ए लॉट ऑफ मनी ऑन लोन। अपने कर्जों को निभाने के लिए उसने कई तरह से कर्ज ले चुके थे। ही हैड सो मैनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। उसे पैसे से संबंधित तमाम समस्याएं थी। ही हैड नो वे आउट टू सॉल्व देम एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर। अब वो जिस फैक्ट्री में काम करता था उस इंजीनियर की घड़ी चुरा, सोने की घड़ी चुराने के अलावा उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचा था जिससे वो अपनी परेशानियों का समाधान कर सके। डच ही स्टील द गोल्ड वॉच। क्या वास्तव में उसने घड़ी को चुरा लिया? रीड द स्टोरी टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि अंत में होता क्या है। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट, जैसे कि तमाम रातों की तरह, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। शंकु को उस रात कोई नींद नहीं आ सकी। ही टर्नेड एंड टोस्ड इन हिज बेड। वह करवटे बदलता रहा अपने बिस्तर पर, कभी इधर कभी उधर, बट इट वॉज नो यूज। लेकिन करवटे बदलने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। द मोर ही थॉट, वो जितना ज़्यादा सोचता जाता, द वर्स ही फेल्ट, उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ती जाती। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद की, एंड ले ऑन हिज टोर्न मैट, और फटे हुए चटाई के ऊपर लेट गया। इन द डार्कनेस, अंधेरे में, एंड एट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, और लेटने के बाद भी उस अंधेरे में वो दिन की तरह ही साफ साफ सब कुछ उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, सुनसान पड़ा हुआ कमरा। वेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, जब हर कोई आराम करने के लिए गया होगा, और फॉर लंच, लंच के लिए गया होगा। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्सली क्लोज, शीशे की वह दरवाजा अब भी आधा खुला हुआ था। वन ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इन साइड, बगल में एक तरफ एक टेबल पर वर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी किताबें पढ़ने की रखी हुई थी। एट द अदर एंड, दूसरी तरफ, अ पेन एंड इंक बॉटल, एक कलम रखा हुआ था, और एक स्याही की बोतल रखी हुई थी। एंड सो फोर्थ, और इसके अलावा, एंड इन बिटवीन वॉज ए गोल्ड वॉच, और इन सब के बीच में एक सोने की घड़ी पड़ी हुई थी। विथ इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन ए बुक, जिसपे एक सोने की चेन वाली घड़ी उस किताब के बीच में भी रखी हुई थी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, अब खिड़की को खोलिए, स्ट्रेच आउट योर हैंड, अपने हाथ को अंदर बढ़ाइए, अबाउट ए फुट, लगभग एक फुट, एंड यू कैन पिक इट अप, और आप इस घड़ी को उठा सकते हैं। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, हर कोई लगभग लंच के लिए गया होगा। नोबडी विल नो, किसी को इस बात की जानकारी भी नहीं होगी। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफोर्ड, शंकु ने अपने कर्जों के बारे में याद किया। हिज कावर्डिस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, उसके यह डरपोकपन और उसकी ये हिचकिचाहट जिससे वो पिछले कई दिनों से प्रयास कर रहा था। फ्यू डेज ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, लेकिन इस लंच के समय उसने कभी भी इस जगह पर किसी को देखा नहीं था। एंड एट, और फिर भी, ही हैड बीन अफ्रेड, उसे डर लग रहा था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रेथलेस, वह कांप रहा था, उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। दैट वॉज वाई, यही कारण था, ही हैड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, कि वह उस सोने की घड़ी चुराने से अपने आप को रोक रहा था। इट वुड नॉट टू डू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, वह कहता है अब मुझे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ज़्यादा टालूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, अगर वो आगे सोचता रहा, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, वह कुछ करने के लायक नहीं होगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, शायद वो जोर से अपने इरादे को कहता जाता। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, वो निश्चय करता है कि मैं इस घड़ी को सुबह चुरा लूँगा।
सुबह सपोज ही डिड नॉट, मान लो वो ऐसा न कर सका तो। शंकु थॉट्स बिगिन टू लिंगर ओवर द थ्रोनी प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ। शंकु ने सोचना प्रारंभ कर दिया अपनी छोटी छोटी जीवन की समस्याओं के ऊपर। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कह रहा है कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर थ्री डेज, इन तीन दिनों में ही वुड गेट हिज पे 13 रुपीज फॉर 13 डेज, उसे सैलरी प्राप्त होगी। हाँ, 13 दिनों की मजदूरी 13 रुपये। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज फॉर परचेजेज एट द स्टोर। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज, 4.5 रुपये उसे स्टोर की खरीदारी जो उसने किया था उसे देना होगा। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज, और जो 8.5 रुपीज 8.5 रुपये बैलेंस बचेंगे। ही हैड रिपेड ओनली 5 out of the 10 rupees ही हैड बोरो फ्रॉम द फंड। फंड से उसने 10 रुपये उधार लिए थे जिसमें से 5 रुपया तो उसने चुका दिया था। द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर द मंथ मदर्स डेथ एनिवर्सरी, जब पिछले महीने वो गांव गया था तो माँ की डेथ एनिवर्सरी यानी कि बरसी के लिए 10 रुपये उसने उधार लिए थे जिसमें से 5 चुका दिया था, 5 उसे अभी चुकाना है। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज, नहीं उसे बचे हुए 5 रुपये भी चुका देने चाहिए। विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे रुपी अ वीक, 6 पैसे एक सप्ताह के ब्याज के साथ। एट द टी शॉप, चाय की दुकान से, ही ओड ओवर 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह का उसका 3 रुपये उधार हो गए थे। बिसाइड प्रीवियस एरा, और पहले का कर्ज जोड़ा जाए, अमाउंटिंग टू 1.5 रुपी, 2.5 रुपये वो भी थे। ही ओड 6 रुपीज टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस बीड़ी एंड अदर ओट्स एनियंस, उसे 3 रुपये अली को भी देने थे जिसने उसे चावल बीड़ी और घर की तमाम चीज़ों के लिए वह कर्ज लेकर आया था। 1 month हाउस रेंट वॉज 3 रुपीज, 1 महीने का किराया भी 3 रुपये देने थे। इन एडिशन टू दिज थम, इन सारे कर्जों को जोड़ने के बाद, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, कई छोटे छोटे कर्ज भी उसने ले चुके थे जिसमें से 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल, अनेक लोगों से। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days before, और 2 दिन पहले उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था। एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल की याद दिलाया था बिफोर अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वोमैन, कि मछली वाली जो औरत आती है उसे भी 1 रुपये देने हैं। शंकु मेंटली एडेड ऑफ द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, शंकु ने मनी मन जितने कर्जे थे सबको टोटल जोड़ लिया था। What he was going to get was just 8.5 rupees. बचे हुए 8.5 रुपये में वो क्या क्या करेगा। What he owed was 22 rupees 13 paise. 22 rupees 13 paise टोटल उसके कर्ज हो चुके थे। He had other needs too. इसके अलावा घर के कर्जे के लिए भी कुछ पैसे की जरूरत थी। He had borrowed 3 rupees from his wife. 3 रुपये उसने अपनी पत्नी से भी उधार लिए थे। This was out of the sum. टोटल जोड़ने पर she had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child. उसकी पत्नी ने ये सारे पैसे उस समय बचाए थे ताकि वो छोटे बच्चे के लिए कमर की चेन बनवा सके। He had assured her, उसने अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाया था that he would buy it out of his पे दैट मंथ, कि अगले महीने जब सैलरी मिलेगी तो वह इस कमर की चेन को जरूर खरीद देगा। शंकु हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु का हृदय तेजी से धड़कने लगा। थाउ यद्यपि हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर चुन्नी, वह इनके धड़कने के बीच ही उसे गाली ग्लोज वाले चाय की दुकान वाले चुन्नी मालिक के चुन्नी की आवाज़ भी हरास वॉइस भी सुनाई दे रही थी। अली हॉलो लॉफर, अली की वो बलगर हंसी, मजाकिया हंसी एंड वल्गर वर्ड्स, गाली ग्लोज वाले सब एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पो, और लोनप्पो के चिढ़ाने वाले सब, हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज था, सभी लोगों के कर्ज उसने लिए हुए थे, सबकी यादें आ रही थी। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक रॉडी बॉयज, उसने महसूस किया कि जितने लोगों से उसने कर्ज लिया है सभी लोग उसे भद्दे बॉय की तरह चारों बगल से घेरे हुए हैं, देख रहे हैं, आर्म्ड विद स्टिक, हाथों में लाठियां लिए हुए हैं, गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग, और एक आवारा कुत्ते की तरह उसे दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना दर्दनाक और भयानक दृश्य उसके सामने उपस्थित हो रहा था।
फाइंडिंग इट अनबियरेबल इन सभी समस्याओं को असहनी पाते हुए शंकु टर्नेड ओवर ऑन इज स्टोमच एंड थॉट। शंकु अपने पेट के बल करवट बदलता है और सोचने लगता है, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं उस सोने की घड़ी अवश्य टुमारो कल चुरा लूँगा। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज, क्या मुझे इससे कम से कम 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे? इवन 15 विल डू, और 15 तो मिल ही जाएंगे। 15 + 8.5, 15 और 8.5 रुपये टोटल मिलकर दैट इज 23.5 रुपीज, 23.5 रुपये हो जाएंगे। इट विल फेच मोर देन 15, यह 15 रुपये से ज़्यादा ही मिलेंगे घड़ी चुराने पर। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट, वह अपने सारे कर्जों को चुका देगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से जीवन जिएगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट, उसके जीवन कर्ज मुक्त हो जाएगा। विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, इसी राहत के साथ ही ड्रिफ्टेड इन टू ए लाइट स्लीप, वह हल्की नींद में सो जाता है। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का समय था। वॉट आर यू स्टिल ए स्लीप, संकुच वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर। हाँ, वॉट आर यू स्टिल ए स्लीप, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? शंकु की पत्नी ने प्यार से उसके कंधों को सहलाते हुए जगाया। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, उसकी पत्नी ने कहा, सूरज के निकले काफ़ी देर हो गई है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु तुरंत अपना चेहरा ऊपर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, हाँ उसकी पत्नी ने रेंगते हुए जो छोटा बच्चा आ रहा था उसे गोद में उठा लिया। एंड आज शंकु, और शंकु से पूछी, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? ओ यस ही सेड एंड गोट आउट ऑफ बेड, वो उसने कहा, हाँ मुझे जाना है, और तुरंत बेड से उठ गया। ही स्टेप्ड डाउन इन टू द कोर्ट यार्ड, वो आंगन की तरफ तेजी से गया, इन्हें हरी तेजी से। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन पियर्सिंग द लूस बंबू फॉलिंग ऑन द ईस्टर्न साइड एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ दैट्स, उसने सूरज की तरफ नजरें गड़ाई, देखा कि सूरज को निकले काफ़ी देर हुई है। पियर्सिंग सन झुलसा देने वाली धूप निकल गई है, और लूस बंबू फॉलिंग बांस के लंबे लंबे मोटी पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ पूर्वी दिशा से उससे आती हुई ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ दैट्स, छप्पर के ऊपर सूरज की रोशनी उसके आंगन तक आ रही थी। ही वॉश्ड हिज फेस, वो अपना चेहरा धोता है। एंड हैंड्स एज यूजुअल, हमेशा की तरह जैसे चेहरा और हाथ धोता है धोया। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ, उसने काम पे जाने वाले कपड़े पहने। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और काम पे जाने के लिए तैयार हो गया। वेन इज वाइफ सेड, जब वो जाने वाला था तभी उसकी पत्नी ने उससे कहा, लिसन, जरा सुनिए, यू मस्ट बाय सम आयनमेंट फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए थोड़ा मलहम लेते आइएगा। सी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, वो थोड़ा आदेशात्मक आवाज में उसकी तरफ आदेश दी। शंकु ने महसूस किया दैट की ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड फास्टेरिंग बॉडी, बच्चे के शरीर के ऊपर तेजी से बढ़ता हुए यह सूर घाव फोड़ा फुंसी वाज स्टेयरिंग एट हिम, उसको घूर रहा था इन एक ग्रूसम एक भयानक तरीके से। वे अ मोमेंट पास्ट इन साइलेंट, कुछ पल शांति में गुजर गए। व्हाट सॉर्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, शंकु ने मूर्खों की तरह प्रश्न किया, किस प्रकार का मलहम कह रही हो? अपॉइंटमेंट फॉर द सूर, कंटिन्यूड हिज वाइफ, तब उसकी पत्नी ने लगातार जवाब देते हुए कहा, क्या तुम्हें मलहम दिखाई नहीं देता, फोड़ा फुंसी वाला मलहम? यू मीन तुम नहीं जानते, यू हैव नॉट सीन द सोर ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, क्या तुम्हें बच्चे के पूरे शरीर पर निकले हुए घाव दिखाई नहीं देते? हाँ यस, हाउ मेनी पैसे वर्थ अपॉइंटमेंट, हाँ कितने पैसे वाला मलहम चाहिए तुम्हें? एटलीस्ट 30 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे वाला। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 डेज एटलीस्ट, कम से कम हम इस मलहम को 3 दिन तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, शंकु ने हाँ भरी और सर झुकाकर काम पे जाने लगा। प्लीज जरा सुनिए, सी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस, इस समय उसकी पत्नी ने मधुर आवाज में उसे बुलाया। शंकु लुक बैक, शंकु पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, वो उसकी पत्नी प्यार से बोली, प्लीज ब्रिंग 2 ripe banana, कृपया आते समय 2 केले लेते आइएगा। वेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब आप शाम में वापस आइएगा। द बेबी स्टार्ट क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात में रोने लगता है। एंड आई एम नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास कोई मिल्क नहीं है जो मैं इसे दे सकूं। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, वो वहां खड़ी रही और बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को ऊपर खींचती हुई। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्गिंग आउट, तब शंकु ने उसके पेट पर ध्यान दिया कि उसका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था। वाज इट अनदर बर्डन ऑन द वे, क्या एक और बोझ उसके ऊपर आने वाला था? शंकु वाज स्टंड, शंकु सन्न रह गया। ही कर्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को कोस रहा था। एंड विथ ए डीप साई, और एक गहरी सांस की तरह ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, वह सर झुकाए फैक्ट्री की तरफ चल दिया।
Listen, do not forget, the wife reminded him. Shanku nodded his head and gone for walk. At 1 o'clock, the bell rang for the interval. 1 o'clock, 1 baje. इंटरवल मध्यांतर की घंटी बजी. एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स. हर कोई उस दोपहर में लंच के टाइम में अपने घर की तरफ जाने लगा. होटल की तरफ. टी शॉप फॉर लंच, चाय की दुकान पर लंच के लिए. शंकु वाज द ओनली वन. शंकु ही केवल एक ऐसा व्यक्ति था हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं गया. ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर इन ए कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस. वो ऑफिस के पश्चिमी तरफ कोने में एक पिलर की भांति झुककर वहीं खड़ा रहा. हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड ब्रस्टिंग विथ इम्पेशेंस. उसका हृदय क्लाउडेड थका हुआ था और ब्रस्टिंग विथ इम्पेशेंस अधीरता के साथ धड़क रहा था. अ फ्यू मोमेंट पास, कुछ पल और गुजर गए. द इंजीनियर, वो इंजीनियर, अ शॉर्ट, एक जो नाटेकत का था. फैट इंग्लिशमैन, जो मोटा आदमी था. विथ कैट लाइक आई, जिसकी आंखें बिल्ली के समान थी. हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टैचू, जो संगमरमर की मूर्ति की तरह दिखाई दे रहा था. गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकला. क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया. एंड लेफ्ट और चल दिया. एज यूजुअल, हमेशा की तरह. देर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, उसके हाथ में अभी उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी. शंकु हर्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ. शंकु ने राहत की कुछ सांस महसूस की. ही फ्यू मोर मोमेंट पास्ट, कुछ पल और गुजर गए. शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों बगल देखा. देर वॉज नो बडी इन साइट, उसकी दृष्टि में कोई नजर नहीं आया. ही वॉक टूवर्ड्स द ऑफिस, वह धीरे धीरे ऑफिस दफ्तर की तरफ गया. द ग्लास विंडो, शीशे की वह खिड़की, एज यूजल, हमेशा की भांति, वॉज ओनली पार्सली क्लोज, हाँ थोड़ा ही बंद थी, बाकी खुली हुई थी. द गोल्ड वॉच ऑन द टेबल, सोने की वह घड़ी टेबल पर थी. हाउ इट ग्लिटर, कैसे वह चमक रही थी. हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था. द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच, उसने सोचा अंग्रेज लंच के बाद आएगा. एंड हिज सिएस्टा ओनली बाय 4 o'clock, या दोपहर के बाद आराम कर कर 4 बजे तक वापस लौटेगा. अ गुड अपॉर्चुनिटी, मेरे लिए एक अच्छा मौका है, चांस है, अपॉर्चुनिटी है. देयर वॉज नो बडी अराउंड, चार बगल कोई नहीं है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मिनट पास्ट, देखते देखते इतने मिनट गुजर गए. सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु ने सोचा, सपोज समोन सीज मी, मान लो कोई मुझे देख लेता है. एज इन द पास्ट फ्यू डेज, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से. फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, जब वो आगे बढ़ता उसके भय उसको आगे ढकेलता, लेकिन फिर वो डर जाता. ही टुक ए फ्यू स्टेप, उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए. लुक्ड अराउंड, चारों बगल देखा. बट सा नो वन, लेकिन उसे कोई दिखाई न दिया. प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, अपने अति आवश्यक कर्जों के कारण प्रेरित होकर, ही वॉक टूवर्ड द रूम, वो कमरे की तरफ, दफ्तर की तरफ चल दिया. वंस अगेन, एक बार पुनः. ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों बगल देखा. नोबडी वाज देयर, कोई नहीं था वहां पे. अ सडन पास थ्रू हिज वेंस, उसके नसों में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई. हिज हार्ट थ्रोब्ड, उसका हृदय धड़कने लगा. वन सेकेंड पास्ट, एक सेकेंड और बीत गया. ही स्ट्रेच आउट ए हैंड, उसने अपने हाथ को बाहर की तरफ फैलाया. एंड द गोल्ड वॉच इन इट, और सोने की वह घड़ी उसके हाथ में आ गई. नर्वसली, घबराते हुए, हिज आईज मेड ए क्विक सर्वे, उसकी आंखों ने चारों बगल एक सर्वे, निरीक्षण और जांच पड़ताल की. नो वन वॉज देयर एट ऑल, अभी भी कोई वहां दिखाई नहीं दे रहा था. ट्रिम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, उसने ट्राउजर अपने पैजामे के पॉकेट में गोल्ड वॉच को रख लिया. ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने सांस लिया. एंड वॉक फॉरवर्ड्स इन हेस्ट, और तेजी से आगे बढ़ने लगा. आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, लगभग 10 कदम चलने के बाद, ही लुक्ड बैक, वो पीछे की तरफ देखा. देन ही सा, तब उसने देखा समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, कोई कॉरिडोर यानी कि पूर्वी बरामदे में कोई तेजी से उसकी तरफ आ रहा था. ओब्वियसली, स्पष्ट रूप से, ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, वह निश्चित रूप से टाइम कीपर ऑफिस के दरबार पे गया होगा. ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, निश्चित रूप से उसने सब कुछ देख लिया होगा. परहैप्स, शायद, ही वॉज हास्टेनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, वो तेजी तेजी जाकर गेटमैन के दरवाजे पर खड़े वॉचमैन को सारी सूचना बता देगा. ओ गॉड, हे भगवान, हैरी बंगल, कितनी बड़ी गलती हो गई उससे. शंकु स्टूड लाइक ए पिलर, पेट्रीफाइड. शंकु एक पिलर की भांति वहाँ खड़ा रहा, जैसे वो
पत्थर की मूर्ति बन गया हो। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडार। वो सोने की घड़ी उसकी पॉकेट में एक जलते हुए अंगारे की तरह प्रतीत हो रही थी। इट्स एंड स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स। यह उसके पूरे नसों में दौड़ गई थी जलाते हुए। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्माइलिंग अराउंड हिम इन ब्लेजिंग फायर। पूरी दुनिया जलते हुए अंगारे की तरह उसके चारों तरफ घूम रही थी। फ्लेम्स अराउज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड। बालू के हर एक कण से केवल जलने की आभास आ रही थी, लपटे उठ रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर। कहीं भी कुछ भी राहत का एहसास नहीं था। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग। हर कुछ लगभग जल रही थी, केवल ज्वाला ज्वाला ज्वाला। ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर। मेरे भाई शंकु, तुम यहाँ पर एक पिलर की भांति क्यों खड़े हो? शंकु टर्निड विथ ए स्टार्ट। शंकु एक चौक कर पीछे की तरफ मुड़ा एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई, और देखा माधवन उसके बगल में खड़ा था। शंकु स्टैमर्ड आउट। शंकु थोड़ा हकलाकर बोला, नो रीजन फॉर नथिंग। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसे ही खड़ा हूँ। गॉड ऑन माई लेयर। माधवन ने कहा, झूठे कहीं के। माधवन शेड विथ ए लाफ। वह एक हंसी किया एंड वॉक अवे टू हिज वर्क, और अपने काम की तरफ चल दिया। ही मस्ट हैव गोन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट। वह निश्चित रूप से गया होगा और इस चोरी की घटना को सूचित कर देगा। ओ माई गॉड, हे भगवान, एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट। लगभग हर कोई इसके बारे में जान जाएगा। ऑल द 800 ओल्ड वर्कर्स एट द फैक्ट्री। फैक्ट्री में काम करने वाले लगभग 800 से भी ज़्यादा मजदूर वुड सराउंडेड हिम नॉइजली। शोर करते हुए उसको चारों बगल से घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न। सभी लोग उसके तिरस्कार की भावना से, आलोचना की भावना से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डिरिजन। सब उसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करेंगे, तिरस्कार करेंगे। थी थी, चोर है चोर है चोर है। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द व्हाइट बोर्ड। उसके बाद उसको पकड़ के व्हाइट बोर्ड के सामने ले जाया जाएगा एंड रिप्रीमेंडेड, उसे डांटा फटकारा जाएगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम। कितनी कठोरता के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस। शंकु को निश्चित डिसमिस कर दिया जाएगा। दैट फेलो, उसका एक साथी वैकी, वॉच डिसमिस जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला। उसे केवल एक ओल्ड अम्ब्रेला लेने के कारण ही डिसमिस कर दिया गया था। अ कोल्ड फियर इंटर शंकु हार्ट। एक डरावना सा भय शंकु के हृदय में समाहित हो गया। विच वॉज चॉक्ड विथ डिप्रेसिंग थॉट्स। जो उसके तनावपूर्ण विचारों से दम उसका घुट रहा था। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस। गार्ड व रक्षक वुड बी वेटिंग, इसका इंतजार कर रहा होगा। एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर कीपर्स ऑफिस, टाइम कीपर्स दफ्तर के प्रवेश द्वार पर। ही वुड कैच हिम। अब वो पकड़ लिया जाएगा। नो नहीं, दैट वे ले डेंजर। यह रास्ता जो मैंने चुना है वो खतरों से भरा हुआ है। ही वुड पुट द दिस बैक इन इट्स प्लेस। वह इस घड़ी को उसके अपने जगह पर रख देगा। अ स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वॉज बर्निंग हिम। वह एक जलाते हुए सिगार की तरह उसको प्रतीत हो रही थी, कोयले की तरह। बट देन, लेकिन तभी, ओ नो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ही शेड टू हिमसेल्फ ऑन द सेकेंड थॉट। उसके मन में उठने वाले दूसरे विचार ने कहा, हाफ ऑफ ए सेकेंड थॉट, दूसरे विचार ने कहा। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड। लेकिन उसने निश्चय कर लिया था अपने मस्तिष्क में। ही वॉज एट द ऑफिस रूम। वह दरवाजे के ऑफिस के कमरे के पास गया। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन। खिड़की अब भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड। शंकु ने चारों बगल देखा। नो वन वॉज देयर। कोई भी उसे दिखाई नहीं दिया। नो वन एट ऑल। कहीं वहाँ कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट। उसने तुरंत अपने पॉकेट से वो सोने की घड़ी बाहर निकाली। हिज हैंड ट्रेम्बल लाइक एन एस्पन लीफ। एक पेड़ के पत्ते की तरह, एस्पन इन पेड़, एक पेड़ के पत्ते की तरह उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। ही प्रेजेंटली रिमेंबर हिज होम। उसके सामने अपने पूरे कर्जे घर की तुरंत उसके मस्तिष्क में उमड़ने लगे एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, और उसके न चुकाए गए कर्ज। What was to be done? अब क्या हो सकता है? शंकु felt suffocated. शंकु का दम घुटता हुआ प्रतीत हो रहा था। The sound of a footstep behind him. तभी उसे अपने पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। Someone was returning. उसे लगा कोई वापिस आ रहा है। He put the watch on the table. उसने तेजी से उस टेबल पर पुनः उस घड़ी को रख दिया and breathlessly walked away. और राहत की सांस लेकर वहाँ से चला गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये स्टोरी एक मजदूर के बारे में लिखी हुई थी, जो वह घर की आवश्यकताओं की पूर्ति न करने में करने में अक्षम था, और बाद में उसे मजबूरीवश ऐसा
जगन अपराध करने के लिए प्रेरित होता है, लेकिन वो एक हैबिचुअल चोर तो था नहीं। कहानी यहीं पर अंत होती है। फिर हम अगले कहानी में मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम इंग्लिश सीखेंगे अगले कहानी के माध्यम से। जय हिंद।